हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम कवर करेंगे हमारा रिवीजन सीरीज, ठीक है। इसमें हमारा जो यूनिट सेकंड है वो आज कवर हो जाएगा। ये यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकवरिंग वेल। आई थॉट कि मैं अब कंटिन्यू करती हूँ वीडियोज बनाना, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका एमसीक्यू जो का जो रह गया है उसके भी मैं वीडियोस लेके आऊंगी, कोशिश करूंगी। स्टूडेंट्स काफी कह रहे हैं लाइव सेशन कंडक्ट करने की, तो मैं ट्राई करूंगी। अगर आने वाले दिनों में उसका लाइव सेशन होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, ठीक है। कम्युनिटी टैब जो है वो भी आप रेगुलर चेक कीजिएगा, उसमें भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वहां पे भी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपका रिविजन सीरीज है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब एग्जाम जो है बिल्कुल होने वाला है एंड आपके पास टाइम नहीं है टू गो थ्रू दी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है स्पेशलाइजेशन कोर्स की, तो आप ये रिविजन सीरीज जो है एटलीस्ट ये कवर करके जाएं। एंड साथ में जो मेरे कंपाइल्ड पीडीएफ अपलोडेड है टेलीग्राम ग्रुप पे वो साथ में रखें सामने, और जो रिविजन सीरीज है वो जल्दी से आप ये सारे वीडियोज देख लें, ठीक है। तो इस जो मेरी चैनल है उस पर मैं लेके आती हूँ आपके जेके एसएसबी के कोर्सेज, ठीक। या अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपका जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, तो भी आपके लिए जो ये चैनल है ये बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी की सीरीज भी कवर करवाई है। करंटली हमारा जो पेपर बी है उसके बस 4 चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है, और वो भी मैं साथ साथ जो है कवर करवाती रहूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। सिंस दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, वो आपको हार्ट के अंदर डॉलर साइन मिल जाएगा, ठीक है। या अगर आप चाहें तो आप वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यूपीआई आईडी जो है मेरा वो चैनल की जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है उसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये है आज का जो पार्ट सेकंड यूनिट टू हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 में रखा हुआ है, जस्ट केस अगर आपको आप चाहते हो इस रिविजन वीडियो को देखने के बाद कहीं कुछ कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया है और आप फिर से जो है वो वीडियो देखना चाहोगे, तो आपके रेफरेंस के लिए 18th लेक्चर का रिविजन है। हाँ, तो ये रिविजन सीरीज है, इतना तो अंडरस्टूड होगा कि मैं कम्प्लीट यहाँ पे लेक्चर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, हम क्विकली वो रिवाइज करेंगे। तो हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली है क्या, इसमें लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स गिवन है दैट बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो इसका जो डिटेल्ड है वो आपको कंपाइल पीडीएफ में मिल जाएगा, एंड डिटेल्ड जो इसका वीडियो है वो आप मेरे लेक्चर नंबर 18 स्पेशलाइजेशन सीरीज की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उस पर देख सकते हैं। तो बेसिकली है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसपे कुछ बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है वो मेंशनड है। जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वहां पे हमने आर्टिकल्स की बात की, फंडामेंटल राइट की बात की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, ठीक है, वैसे ही आप समझो ये फंडामेंटल राइट्स जो सारे ह्यूमन बीइंग्स को दिए गए हैं। जब हम सारे ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो इतना अंडरस्टूड है कि ये यूनिवर्सल है, दैट मीन्स आप किसी भी कंट्री के हो सकते हो, किसी भी रेस के हो सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री और रेस यू बिलोंग टू, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर यू बिलोंग टू, आपके जो राइट्स हैं ये दिए गए हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 3 चीज़ें गिवन है, आपका UDHR, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, एंड इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। एंड इसमें हमें कवर करना है सिर्फ UDHR क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो है इस डॉक्यूमेंट में मेंशनड है। इसके 4 पिलर्स हैं, डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ये चारों याद रख लेना। और उसको अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और जो मेरा ये रिवीजन का डॉक्यूमेंट है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इनकेस आपने अभी तक अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं एंड यू डोंट इवन इंटेंड टू मेक द हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके अपनी रेफरेंस के लिए आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हो। और जो इमर्ज हुआ है, इट इमर्ज फ्रॉम द एशेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होलोकॉस्ट, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे जो ह्यूमन राइट्स हैं ऐसा तो नहीं हुआ ना हुआ होगा कि अचानक से एक दिन डिसाइड किया गया कि यूनाइटेड नेशन ने एक दिन डिसाइड किया कि हमें ह्यूमन्स को कुछ राइट्स देने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो बैकड्रॉप में कुछ स्टोरी चली होगी, वो क्या स्टोरी है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मास स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, लोगों को इवैक्यूएट किया गया था काफ़ी लार्ज स्केल में, फाइन, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई थी लोगों की। तो बेसिकली इन वॉर्स में क्या होता है, एक तरफ से ये मर्डर होता है आपकी ह्यूमैनिटी का, लोगों के साथ काफ़ी बुरा होता है। एंड इसी टाइम पे होलोकॉस्ट हुआ था जो किसने किया था, नाजी आर्मी ने, जो आपकी जर्मन आर्मी है,
नाजी आर्मी, ठीक है, किसके कहने पे, हिटलर के कहने पे, जिन्होंने क्या किया था, मास प्रोसिक्यूशन किया था किनका, ज्यूस का, ठीक है। तो इसकी डिटेल कितने क्या प्रोसिक्यूट हुए थे वो कंपाइल्ड पीडीएफ में, ऑल दो मैंने नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि ये सारी जो बुराई हुई थी उसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में और होलोकॉस्ट के टाइम पे, तो उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं, हमें ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग कुछ बातें करनी चाहिए। ऑल दो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर में कि पहले भी ऐसी सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन अब रिटन फॉर्मेट में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के शेप में ये चीज जो है हमारे सामने होनी चाहिए कि फलानी फलानी राइट्स है एंड ये किनको दिए गए हैं, ह्यूमंस को दिए गए हैं, वो किस लिए दिए गए हैं, क्योंकि वो ह्यूमन है, ठीक है, फॉर बीइंग ह्यूमन उनको हक है कुछ राइट्स देने का। तो जो यूडीएचआर है इसको ड्राफ्ट किया गया था एक कमिटी ने, जिनके चेयरपर्सन कौन थी, एलेनिया रूसलवे, ठीक है। और एलेनिया रूसलवे जो है इन्होंने कहा था यूडीएचआर जो है ये इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा है फॉर दी मैनकाइंड, ये तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, यूनिवर्सल, इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। यूनिवर्सल क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, रेस, जेंडर यू बिलोंग टू, आपको हक है ये सारे जो राइट्स है वो एंजॉय करने का। इंडिविजिबल क्या होता है कि अगर आपका एक राइट आप उसमें से नहीं दो, ठीक है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट बाकी राइट्स पे भी पड़ेगा, दैट मीन सारे राइट जो है वो आपको देने हैं। इंटरडिपेंडेंट है कि कोई एक राइट जो है उसको प्रायोरिटी नहीं है दूसरे राइट पे, सारे राइट्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए तीन प्रिंसिपल जिन पे यूडीएचआर बेस्ड होता है। हंसा मेहता जो ये एक जिन्हें ड्राफ्ट किया था यूडीएचआर, ठीक है, उनकी एक मेंबर थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को, डेलीगेट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था, इनका नाम यहाँ पे रखना ये भी इम्पोर्ट, दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन है जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस कमीशन को जिन्होंने ड्राफ्ट किया था यूडीएचआर। सेकेंडली इन्होंने चेंज किया था ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इस स्टेटमेंट को टू ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, ठीक है। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सब राइट्स जो है आप नहीं आपको दिए दिए जाएं तो आप जाके यूनाइटेड नेशन में केस नहीं कर सकते हो इस बेसिस पे कि यूडीएचआर में जो आर्टिकल्स मेंशनड है हमें जो राइट्स दिए हैं वो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं है। ऑल्दो आपको ये याद रखना होगा इन वन फॉर्म और द अदर जो डिफरेंट कंट्रीज है ये इसको अडॉप्ट करती हैं, हमने भी अडॉप्ट किए हैं, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बेसिकली क्या है, वो राइट्स हैं जो आपको दिए जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आइडिया है वहां से लिया गया है, एंड कोर्ट भी कभी कोई जजमेंट वगैरह पास करनी होती है तो फॉर रेफरेंस पर्पज वो इन आर्टिकल्स वगैरह देखती हैं, फाइन, ऑल्दो नॉट लीगली बाइंडिंग, बट कंट्रीज ने इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से जो है अपनी कंट्री की सूटेबिलिटी के हिसाब से इसको अडॉप्ट किया हुआ है। दो इंपॉर्टेंट एनजीओज अब कंपाइल पीडीएफ पे देखोगे, मैंने शायद दो चार एनजीओज मेंशन किए हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, 1961, काफी बार न्यूज में रहा होता है ये, एमनेस्टी नाम आपने सुना होगा, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, एंड ह्यूमन राइट वॉच ये इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, ठीक है। अगर आपको और भी एनजीओ देखने होंगे तो उसके लिए आप कंपाइल्ड पीडीएफ देख लेना, ये रिविजन सीरीज है तो इसमें सिर्फ हम जो क्विक रिविजन है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की वो करेंगे। यूडीएचआर के कुछ आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स हैं, इसीलिए आपको याद रखने होंगे। एंड जो मेरा वीडियो है पी वाई क्यू वाला जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, उसमें से एक क्वेश्चन भी आया था डायरेक्टली इस आर्टिकल का, ठीक है, क्योंकि 30 आर्टिकल्स ही हैं, अगर काफी ज्यादा होते तो मैं आपको कहती कि आप याद नहीं रखो, 30 आर्टिकल्स हैं तो आपको याद रखने होंगे, हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जाए। तो आर्टिकल वन देखो, मैंने जो आपको कंपाइल पीडीएफ दिया हुआ है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड आर्टिकल्स हैं, थोड़ा डिटेल में मैंशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये जो आर्टिकल है मैं आपको बताऊंगी आप कैसे याद रखोगे। तो आपको क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट नहीं याद रखनी है, हर आर्टिकल का जो कीवर्ड है वो आप याद रखोगे, ठीक है, उससे आप, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं कि आपको कंटेंट ज्यादा पता हो आपको आंसर राइटिंग करनी है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपको अगर हल्का आइडिया पता होगा क्वेश्चन का, आपके पास सामने चार ऑप्शंस होंगे तो यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहले आर्टिकल में आप याद रखोगे बॉर्न फ्री, ऑल आर बॉर्न फ्री। सेकेंड आर्टिकल कहता है जो राइट्स हैं दे बिलोंग टू एवरीवन। थर्ड कहता है राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड सेफ्टी के बारे में। फोर्थ स्लेवरी के बारे में कहता है कि हम कोई भी जो है अभी इस मॉडर्न 21वीं सदी में हम वो स्लेव्स जो है वो नहीं रख सकते हैं, स्लेव्स नो वन, ठीक है। तो ऐसे करके आप शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स बना सकते हो, एंड यही तरीका होता है नोट मेकिंग का भी, पूरे स्टेटमेंट्स आपको अपने नोट्स में नहीं लिखने होते हैं, ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्मेट में कीवर्ड्स जो हैं वो लिखने होते हैं। फोर्थ क्या कहता है, किसी को हक नहीं है इन्फ्लिक्ट करने का टॉर्चर या किसी को इनह्यूमन ट्रीटमेंट देने का, ठीक है, क्रूअल्टी करने का। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप कीवर्ड देखो टॉर्चर से रिलेटेड है या इनह्यूमन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो यू शुड नो कि वो आर्टिकल 5 है यूडीएचआर का, ठीक है। सिक्स कहता है कि सेम लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन का हक है सबको, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी कंट्री को बिलोंग करता हो।
आर्टिकल 7 कहता है लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है हल्का, आपको याद आ रहा होगा अपने फंडामेंटल राइट्स भी, हमने यही कहीं ना कहीं जो है आइडिया आपको सिमिलर लग रहा होगा। आर्टिकल 8 कहता है हर किसी को हक है राइट टू लीगल सपोर्ट, कि वो एक जो लॉयर वगैरह है हायर करें अपने लिए। आर्टिकल 9 कहता है आप किसी को भी अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट या आप भेज नहीं सकते हो अपनी कंट्री से विदाउट एनी गुड रीजन। आप किसी को भी ये सब चीजें अरेस्ट, प्रिजन या अपनी कंट्री से बाहर जाने को नहीं कह सकते हो। और यही वाला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, स्टेटमेंट दी हुई थी ऐसे कोई कंडीशन टाइप की स्टेटमेंट बनाई हुई थी कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, ये बोलो किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आर्टिकल जो है याद करोगे। 10th आर्टिकल है राइट टू अफेयर एंड पब्लिक ट्रायल। 11th है हर कोई जब तक उसका जो क्राइम है वो प्रूव ना हो तब तक वो इनोसेंट है, ठीक है। ये हम भी फॉलो करते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आर्टिकल 12 कहता है किसी को भी हक नहीं है एंटर आर होम, ओपन मेल, इंट्रूड आर फैमिली विदाउट एनी गुड रीजन। दैट मीन्स आपकी जो रेपुटेशन है आपको हक है उसको प्रोटेक्ट करने का। आर्टिकल 13 इज हमें हक है मूव फ्रीली विद इन आर कंट्री, विजिट एंड लीव अदर कंट्रीज, सारे राइट्स हमारे पास है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू गो टू अनदर कंट्री टू सीक प्रोटेक्शन। अगर हमें लग रहा होगा कि हमें अपनी कंट्री में खतरा है तो हम किसी और कंट्री में जा सकते हैं, उनको ये बोलते कि हमें अपनी कंट्री में डेंजर लगता है तो हमें आप अपनी सिटीजनशिप दे दो, ठीक है। कंट्रीज के पास ये प्रोविजन होता है, इसको असाइलम सीक करना बोलते हैं, असाइलम, ठीक है। यूजली अफगानिस्तान या ऐसी कहीं कंट्रीज जो वॉर टॉर्न कंट्रीज होंगे, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स होंगे, तो वहां के लोग जो है असाइलम सीक करते हैं फॉरेन कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में जाके। आर्टिकल 15 राइट टू बी सिटीजन ऑफ ए कंट्री, ये भी आपको हक है। राइट टू मैरी एंड हैव अ फैमिली, प्रॉपर्टी का आपको हक है। राइट टू रिलीजियस बिलीफ, अपना रिलीजियस बिलीफ जो है वो रखना, प्रोपोगेट करना, प्रोफेस करना, उसका आपको हक है। 19 ओपिनियन एंड एक्सप्रेशंस, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना आपका हक है। 20 इज ग्रुप एंड पीसफुल मीटिंग्स का आपको हक है। 21 इज पार्टिसिपेशन कंट्रीज पॉलिटिकल अफेयर्स, ये राइट है। 22 आर्टिकल एवरी पर्सन जो है वो डेवलप हो सकता है थ्रू एक्सेस टू वर्क, इन्वॉल्वमेंट इन कल्चरल एक्टिविटी एंड राइट टू सोशल वेलफेयर, ठीक है। हर इंसान को डेवलप कराने के लिए उसको आप मतलब उसके पास राइट है कि उसको ये सारी चीज़ें दी जाएँ। 23 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट, चूज आर वर्क एंड फेयर सैलरी, इसका भी राइट है। राइट टू रेस्ट एंड लेजर टाइम एन्जॉय करने का भी हक है आपके पास। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको पेरेंट्स बोलें कि ये क्या फालतू बैठे रहते हो, तो आप बोल सकते हो आर्टिकल 24 में आपको ये राइट दिया गया है, ऑल्दो इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, लेकिन आप एन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये लेजर टाइम होना इतनी बड़ी बात है कि उसको एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट में, एक ग्लोबल डॉक्यूमेंट में मैंशन किया गया है। आर्टिकल 25 फूड क्लोथिंग रोटी कपड़ा मकान हेल्थ केयर। आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन, अब ये आ सकता है UDHR किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन की बात हुई है, ठीक है। आर्टिकल 27 गेट इन्वॉल्व इन कम्युनिटीज, आर्ट, म्यूजिक, साइंसेज, लिटरेचर, ये सारे क्रिएटिव आस्पेक्ट्स किसमें, आर्टिकल 27 में। 28 एक पीसफुल सोसाइटी में रहना। 29 में कुछ ड्यूटी की बात की गई है, ड्यूटीज टू द कम्युनिटी विल लिव इन, ठीक है। अगर वो थोड़ा ज्यादा डीप जाके आपको क्वेश्चंस पूछें तो ये भी हो सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो 30 आर्टिकल्स हैं क्या उनमें सिर्फ राइट्स की बात हुई है या कहीं पे किसी ड्यूटी की बात भी हुई है। तो आर्टिकल 29 में ड्यूटी की बात हुई है, ड्यूटी टू द कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं। आर्टिकल 30 गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता आपके राइट्स या फ्रीडम ऑफ UDHR, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन है, ये आर्टिकल 30 आर्टिकल्स हैं। मैंने सारे आर्टिकल्स इसीलिए आपको पढ़ा है क्योंकि ये जब चीज़ें आप खुद बोलते हो तो आपके बोलने से आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली बैठती है, ये मैंने आपको रिवीजन टिप्स में भी कहा था, ठीक है। तो प्रूवन साइंटिफिक वेज होते हैं रिवाइज करने के, वो वीडियो ज़रूर देखना, वो आपके काम आएगा, वो वीडियो रिविजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। फिर आ गया हमारा लेक्चर नंबर 19, इसमें हमें डिस्कस किए थे स्टेजेस एंड थियोरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, फ्रूड एंड एरिक्सन, जो आपके सिलेबस में मेंशन थे। इन्होंने साइकोडायनामिक थियोरीज दी है, जो इसकी है फ्रूड की उनको हम बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थियोरी, एंड एरिक्सन ने दी है आपको साइको सोशल थियोरी। तो इन्होंने सोशल आस्पेक्ट से आपके साइकी को, हाउ माइंड वर्क्स, उसका सोशल आस्पेक्ट एक्सप्लेन किया है, और फ्रूड का कहीं ना कहीं थोड़ा एक सेक्सुअल टच रहता है, ठीक है। इनकी थियोरीज में माइंड कहाँ कैसे काम करता है उसमें कहीं ना कहीं सेक्सुअल इम्पल्स को कुछ ना कुछ कहीं से ही रिलेट करते हैं सिगमंड फ्रूड, ये थिंकर ही ऐसे ही थे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फ्रूड ने क्या कहा था। इन्होंने कुछ थियोरीज एंड स्टेजेस दी थी, हाउ माइंड और साइकी, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो तीन थियोरीज थी और उन्हीं थियोरीज से हम जंप करेंगे फिर लास्ट वाली जो थियोरी थी इनकी, वो बेसिकली क्या था आपका, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ही था। तो हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ स्टेजेस है, लेकिन चूंकि वो स्टेजेस जो है इनकी एक थियोरीज में कहीं ना कहीं गिवन है, तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत पहले इनकी दो थियोरीज भी देखेंगे।
टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ साइकी, हाउ माइंड इज ऑर्गेनाइज, ये चीज बताता है. एंड सेकेंड वन इज योर स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आर पर्सनैलिटी. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, सिगमंड फ्रूड ने, इन्होंने कहा था जो माइंड है उसके तीन आस्पेक्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. जो प्री कॉन्शियस माइंड होता, जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें करंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है, आपका माइंड ऑर्गेनाइज कैसे होता है. तो मैंने नोट्स में आपको एग्जाम्पल किसकी दी थी वीडियोस में, मैगी की, कि अगर आपको मैगी बनाना है, आपको पता है जाना है कैसे आपको मैगी बनानी है, ऑल द प्रोसेस यू नो इट. ठीक है, आप जाओगे मैगी बनाओगे, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है जहां पे करंट इन्फॉर्मेशन स्टोर है. सेकेंड वन इज प्री कॉन्शियस माइंड, कि अगर आपको प्री कॉन्शियस माइंड के हिसाब से कुछ काम करना है, इसको काम में लाना है, तो इट विल रिक्वायर सम अटेंशन. इसमें पिज्जा की एग्जाम्पल दी थी, फॉर एग्जाम्पल आप कल को जाते हो कहीं पे भी जाके आप पिज्जा खाते हो. ठीक है, तो अगर आपको वही पिज्जा जो है सेम आपको घर में बनाना है, तो आप कल गए हो, अब 2 दिन के बाद घर में सेम पिज्जा बना रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत अटेंशन चाहिए होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि उसमें अच्छा वो पिज्जा था, उसका बेस कितना मोटा था, टॉपिंग्स कौन सी थी, कितना चीज था उसमें, किस चीज का पिज्जा बना हुआ था, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है उसमें आपको चाहिए, तो ये इट रिक्वायर्स सम अटेंशन. ये मैगी की तरह नहीं जाओगे और बनाओगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो प्री कॉन्शियस माइंड से निकलेगी. एंड थर्ड वन इज अनकॉन्शियस माइंड, ये वो चीजें होते हैं जो आप खुद अनअवेयर होते हैं. इसे मैंने आपको पीनट बटर की एग्जाम्पल दी थी, फॉर एग्जाम्पल किसी को एलर्जी है, बचपन में हुई थी, पूरा डिटेल में उनको याद नहीं है, बस उनको पता है कि पीनट बटर से कुछ एलर्जिक हुआ, एलर्जिक रिस्पॉन्स दिया था उनकी बॉडी ने. तो जो अनकॉन्शियस माइंड है, यूजुअली इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी आपकी अप्रूव नहीं करती हैं. ठीक है, वो आप खुद भी अनअवेयर होते हो उन चीजों के, वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई होती हैं. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आर पर्सनैलिटी. सो इसमें सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा था, तीन मॉडल दिए थे हमारी पर्सनैलिटी के. एक आपका ईगो है, आईडी है एंड सुपर ईगो है. ठीक है, तो आईडी क्या होता है, आपका इंपल्सिव कैरेक्टर जो सिंस बर्थ आपके साथ होता है. ये बेसिकली किस पे काम करता है, आपके प्लेजर प्रिंसिपल पे, कि अगर कोई चीज आपको पसंद है तो वो उसको उसी टाइम करनी है, वो उस चीज में ज्यादा सोचेगा नहीं. ठीक है, कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है, वो वाला पार्ट यहाँ पे डेवलप नहीं होता है. ये यूजुअली हमारे साथ सिंस बर्थ जुड़ा हुआ होता है, तो इसको इंसान का प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं. अगर आपको, अगर किसी छोटे बच्चे को आइसक्रीम खाने का मूड है, ठीक है, अगर अभी तक उसका ईगो डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी इसी वाले कैरेक्टर पे है, आईडी वाले पे, ठीक है, आईडी मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, तो उसका आईडी मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी उसको क्या सजेस्ट करेगा, आइसक्रीम खाना है तो अभी खाना है, वो ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं सोचेगा. फिर ईगो होता है जब थोड़ा लॉजिक और रैशनल इंसान होना शुरू हो जाता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो उसको पता नहीं अगर मुझे आइसक्रीम खानी है तो हो सकता है मुझे जुकाम हो जाए, तो पहले मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं कि मैं आइसक्रीम खाऊं या नहीं खाऊं. जब वो वाला पार्ट उसमें आता है तो उसका ईगो जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है. कैन डिले आइडीज ग्रेटिफिकेशन, तो क्या हो रहा है बेसिकली, उसको आइसक्रीम खानी है तो ईगो क्या कर रहा है, उसका जो वो ग्रेटिफिकेशन, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी आइसक्रीम खा के, उस पार्ट को डिले कर रहा है, क्योंकि उसका लॉजिकल और रैशनल बीइंग उसको कह रहा है कि नहीं, अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो आपको पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए. तो वो सब कैरेक्टर्स कब डेवलप होते हैं, ईगो में. एंड सुपर ईगो होता है जब हमारा मॉरली करेक्ट बिहेवियर जो होता है वो सामने आता है, जहां पे हमने सोसाइटी की वैल्यूज वगैरह इंटरनलाइज की होती है, जहां पे आपकी सोशलाइजेशन अच्छे से होना शुरू हुई होती है, तो लेटर पार्ट ऑफ जो चाइल्डहुड है उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है आपका जो सुपर ईगो है. ठीक है, या जब आप जैसे जैसे आप बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, आपका सुपर ईगो जो अकॉर्डिंगली डेवलप होता है. तो इसमें सबसे ज्यादा इरेशनल और इलॉजिकल कौन सा होता है, आपका आईडी. फाइन, थर्ड वन इज अ साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. इसमें 5 स्टेजेस दी हुई है सिगमंड फ्रॉयड ने, और यही हमारे सिलेबस में भी है, डायरेक्टली गिवन है कि हमें स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट करना है. इसमें एक टर्म याद रख लेना, ये आगे भी हम देखेंगे, फिक्सेशन. ठीक है, ये आप इन स्टेजेस में हर जगह देखोगे. फिक्सेशन होता है जिस भी स्टेज में आप होते हो, अगर वहां का कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है और वो अनरिजॉल्व रह जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्सेशन होना. ठीक है, एंड ये इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी इंसान की और उसका बिहेवियर. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस. ठीक है, तो स्टेजेस के लिए क्या आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, या तो स्टेज का नाम आ सकता है कि फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं. ठीक है, या तो आपको क्रोनोलॉजी आ सकती है, जैसे पहले आपका ओरल स्टेज है, फिर आपका एनल स्टेज है, उसके बाद फेलिक लेटेंसी. ठीक है, आपको वो सारे नाम पता होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज. ठीक है, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए. आपको मंथ आ सकता है कि जो ओरल स्टेज है वो कब से कब तक होती है, जैसे 0 to 18 months होती है. फाइन, या जो हर स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशनड है. अब हम पहला स्टेज देखते हैं, इसको सिगमंड फ्रॉयड ने ओरल स्टेज कहा था. ओरल इसीलिए कहा था क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें मोस्टली आप सकिंग एंड स्वॉलोइंग करते हो, आप दूध पीते हो या तो आप कुछ खाते हो. ठीक है,
तो इसमें जो फिक्सेशन है, एफ यहाँ पे फिक्सेशन रिप्रेजेंट करता है, तो जो फिक्सेशन है वो हो सकती है ओवर या अंडर ग्रेटिफिकेशन की, कि या आपकी जो सकिंग स्वॉलोइंग है या वो अच्छे से हुई है तो आप पॉजिटिव आउटकम होगा आपका, या तो वो ज्यादा हुई है या तो वो कम हुई है, तो दोनों ही केसेस में आपका आउटकम नेगेटिव बनता है। तो अगर ये फिक्सेशन रही किसी एक स्टेज में, दैट मींस एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रहा कि आपने स्वॉलोइंग एंड सकिंग जो है वो सही से नहीं करी है, तो वो बिहेवियर कहाँ आपका रिप्रेजेंट करेगा, ओवर ईटिंग बिहेवियर में, जैसे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इन अडल्टहुड। तो अडल्टहुड में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, ओवर ईटिंग करते हैं वो या ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, उसका एक रीजन हो सकता है कि ओरल स्टेज की जो फिक्सेशन है उसको रिजॉल्व नहीं किया गया है, और वो फिक्सेशन क्या हुई, ओवर या अंडर आपकी सकिंग स्वॉलिंग, दैट मींस आपकी जो ग्रेटिफिकेशन है या तो वो ओवर हुई है या तो अंडर रह गई है। इसको इन्होंने ओरल इनकॉर्पोरेटिव, ओरल इंजेस्टिव, ओरल एग्रेसिव एंड ओरल सैडिस्टिक भी बोला है सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। ये ऐसे लोगों में यूजुअली ज्यादा देखा गया है, जो लोग काफी क्रिटिकल होते हैं हर चीज को लेके या काफी सरकास्टिक होते हैं हर चीज को लेके, तो वो एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है जो ओरल स्टेज में उनके साथ हुई है, वो फिक्सेशन जिसको सही से रिजोल्व नहीं किया है, ठीक है। तो ये मैंने इन डिटेल अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है और फॉर योर रेफरेंस लेक्चर नंबर भी देखे है, ठीक है, तो आप वो वहां से जाके भी इन डिटेल देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो आप सिंपली इसको रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। तो स्टेज टू को एनल स्टेज बोला गया है, ये आता है आपका 18 मंथ टू 3 इयर्स। तो एनल स्टेज है ये बेसिकली कौन सी वाली स्टेज है जिसमें आप अपने बेबी की टॉयलेट ट्रेनिंग करते हो, तो यूजुअली वो इन्हीं मंथ से टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अब देखो अगर आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो सही से नहीं हो रही है, सही से नहीं हो रही है, दैट मींस आप ज्यादा लीनियंट हो, लीनियंटली पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं टॉयलेट ट्रेन करवाना है बच्चे को, या काफी ज्यादा हार्श है, ठीक है, कि काफी स्ट्रिक्ट तरीके से उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो करवा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर फिक्सेशन रहेगी, दैट मींस टू हार्श एंड टू लीनियंट टॉयलेट ट्रेनिंग, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है लेटेस्ट स्टेजेस में। अगर काफी ज्यादा लीनियंट रही है तो जो बेबी है वो जब बड़ा हो जाता है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में, वो मेसी बन सकता है एंड उसका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो भी कम होता है, ठीक है, लेकिन वो जेनरस होता है। जेनरस इसलिए होता है क्योंकि उसको सिखाया गया होता है कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। जिनको वो वाली चीज सिखाई जाती है तो हो सकता है वो मेसी हो, उनका सेल्फ कंट्रोल कम हो, लेकिन उनमें एक अच्छी आदत भी होती है, वो जेनरस भी होते हैं। तो इसको हम एनल एक्सपेसिव बोलते हैं, ठीक है। या अगर किसी को टू हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग दी गई हो तो वो लेटर स्टेजेस में कैसे हो जाते हैं, टाइडी ऑर्डरली, लेकिन वो मीन बनते हैं, फाइन, इसको एनल अटेंटिव कहा है। और जिनको टू हार्स ट्रीटमेंट दी हुई होती है टॉयलेट ट्रेनिंग की, तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको लेटर स्टेजेस में ओसीडी डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं, जो हमने डिसऑर्डर्स में पढ़ा था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका एनल स्टेज हो गया। स्टेज थर्ड इज फैलिक स्टेज, ये 3 इयर्स टू 5 इयर्स को देखने को मिलती है। ये वो वाली स्टेज है जहां पे इरोजिनस क्या होता है, बॉडी के वो पॉइंट्स जो सेंसिटिव होते हैं टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन, तो जेनिटल्स को इरोजिनस बच्चों को ये चीज रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें दो चीजें डेवलप होती है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बच्चों में, लड़कों में डेवलप होता है, तो इसमें इस स्टेज में क्या होता है, इसका क्या मतलब है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का, इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होती है टुवर्ड्स ए मदर एंड ए काइंड ऑफ राइवलरी टुवर्ड्स ए फादर, क्योंकि मदर फादर आपस में क्लोज होते हैं, तो जब इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर होती है तो इनको फादर जो है वो अपने दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। एंड जो लड़कियों में डेवलप होता है सेम इसका उल्टा, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स फादर एंड राइवलरी टुवर्ड्स मदर, एंड इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज इनका क्या कहना था सिगमंड फ्रॉयड का, ठीक है, कि जो पर्सनैलिटी है इंसान की वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है। उसके बाद ये हम स्टेज थर्ड में है, फिर यहाँ पे लिखने में ऊपर नीचे हो गया, स्टेज फोर यहाँ पे आ गया, उसमें आपका लेटेंसी फेज है 6 to 12 इयर्स। ये वो वाली स्टेज है जब ऑपोजिट सेक्स के साथ थोड़ा सा प्रिपल्सिव हो जाते हो, आपको पसंद नहीं होता ऑपोजिट जेंडर का बंदा आपके सामने ज्यादा, आप इंटरेक्शन नहीं करना चाहते उसके साथ, और जो आपकी एनर्जी है वो आप चैनलाइज करते हो थ्रू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी का कहीं यहाँ पे जिक्र नहीं है, फाइन। तो यही वो स्टेज है जब आपको स्कूल में एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लड़के को बोला जाता है, लड़की के साथ बिठाया जाता है, लड़की को लड़के के साथ, ठीक है, अगर आपको पनिश करना होगा तो वो इस स्टेज में यूजुअली होता है। एंड जब आपकी जेनिटल स्टेज आती है, जब 13 to adulthood, तो ये आपकी टीनेज हो गई। तो अगर आपके सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है ऑफ द प्रीवियस स्टेजेस जितने भी अभी तक हमने पढ़े, तो एक मैच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप बनता है विद द ऑपोजिट सेक्स। तो जो वो लोग होते हैं जिनका मैच्योर इंटीमेट रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है, जिनको कमिटमेंट का डर रहता है, वो लोग होते हैं जिनकी स्टार्टिंग की जो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी, ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी, उसमें उनकी जो फिक्सेशन है वो कहीं ना कहीं रिजोल्व नहीं हुई होती है और उस स्टेजेस में उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है, जिसके रिजल्ट हम बाद में एडल्टहुड में एक इंसान में देखते हैं कि वो कमिटमेंट फोबिक होता है,
डरता है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करने से डरता है ऑपोजिट जेंडर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा हुआ है फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ स्टेज है और यहाँ पे फिफ्थ स्टेज है। तो ओरल एनल फैलिक लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज, ये सारी स्टेजेस थी सिगमंड फ्रॉयड की। अब हम एरिक्सन का देखते हैं, लेक्चर 20। एरिक्सन ने भी हमें स्टेजेस दी थी, ठीक है। तो उनकी स्टेजेस को हम एपिजेनेटिक प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल होता है वन स्टेज आफ्टर द अदर ओनली, ऐसा नहीं है फर्स्ट स्टेज से डायरेक्टली थर्ड स्टेज पे जंप करोगे, ठीक है। हर स्टेज जो है आप क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हो। और इनकी जो स्टेजेस है ये भी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है। इनको साइको सोशल बोला जाता है, फ्रूड को साइको सेक्सुअल बोला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। हर स्टेज जो है उसमें कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं एंड द डेवलपमेंटल टास्क के कुछ आउटकम्स होते हैं। अगर वो पॉजिटिव आउटकम्स हुए, बैलेंस्ड आउटकम्स, तो जो स्टेज है वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। लेकिन अगर नेगेटिव आउटकम्स होंगे तो दैट मीन जो स्टेज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई है और उसका कहीं ना कहीं कोई आपको रिपरकशन देखने को मिलेगा। इसमें दो चीजें हैं नेगेटिव आउटकम में, अगर टू मच ऑफ पॉजिटिविटी होगी एंड टू लिटिल नेगेटिविटी, उसको हम बोलते हैं मैल अडैप्टेशन। तो हर स्टेज में मैल अडैप्टेशन होती है एंड मैलिग्नेंसी होती है। मैलिग्नेंसी का क्या मतलब होता है? टू मच ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, एंड पॉजिटिविटी बहुत कम। अब आप ये सोचोगे कि अगर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है किसी स्टेज में तो वो नेगेटिव आउटकम कैसे होगा? उसकी एग्जांपल ले लो कि अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करोगे दैट मींस पॉजिटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी लिटिल है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है जो बंदा आंखें बंद करके सब पे ट्रस्ट करे, कहीं ना कहीं उसको धोखा किसी स्टेज पे आके खाने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक नेगेटिव आउटकम ही है और एक नेगेटिव में ही ट्रीट किया जाता है एंड गोज बाय द नेम मैल अडैप्टेशन। और अगर आप बिल्कुल ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे, बहुत ही कम ट्रस्ट करोगे, दैट मीन नेगेटिविटी का फैक्टर ज्यादा है, इसको मैलिग्नेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी स्टेजेस हम देखते हैं, सिक्स स्टेज इन्हें दी थी, नहीं एट स्टेजेस, ठीक है। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये होती है 0 to 1 इन्फेंट, 0 to 1 ईयर में जब बच्चा एक इन्फेंट होता है। और बच्चा सबसे क्लोज स्टेज में किससे होता है? अपनी मदर से, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? अगेन स्टेज का नाम, स्टेज वन कौन सी स्टेज थी, या क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है, ठीक है, एक ऑर्डर की पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी दिया हो सकता है। एंड आपको क्रोनोलॉजी में बताना होगा कि पहली कौन सी आती है, दूसरी कौन सी आती है, एंड ईयर पूछा हो सकता है, एंड यहाँ पे क्या इसमें मैलिग्नेंसी और मैल अडैप्टेशन किस तरीके की होती है। फाइन, ऐसे सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। तो पहला हो गया आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 to 1 ईयर इन्फैक्ट, और इसमें सबसे क्लोज मदर के होते हैं। अब देखो क्या है इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्यों है? इतना छोटा बच्चा जो होता है इन्फैक्ट, उसका क्या ट्रस्ट डेवलप करने का ये होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल उसका डायपर गंदा हो गया, ठीक है, डायपर उसने सॉइल किया, तो उसको इतना ट्रस्ट होता है वो रोएगा, इतना आप कनेक्शन उसको अपने गार्डियन से या जो उसका ध्यान रख रहा है, केयर टेकर है उसका, उसकी मदर है, इतना कनेक्शन उसको फील होता है कि माँ आके डायपर चेंज करेगी। लेकिन उसको नहीं पता जो उसकी मदर है वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही है, तो वहां से ही बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो सेंसरी डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्योंकि बच्चों सेंसेस क्या होते हैं, हमारे 5 senses जिसे हम फील करते हैं, सब कुछ बोलते हैं वगैरह, हमारी आंखें स्मेल करना, टच शेयर करना, बच्चे की वहां पर डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्योंकि उसका एक ही तरीका है अपने इमोशंस को दिखाने का, वो सिर्फ रो के दिखा सकता है, एंड वहां पर उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंसरी डिस्टॉर्शन। या विड्रॉवल हो जाएगा, क्योंकि अगर मिसट्रस्ट इतना ज्यादा डेवलप हो गया तो बच्चा जो कनेक्शन फील नहीं करता है। सेकेंड स्टेज हो गई आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। ये स्टेज होती है 2 to 3 इयर्स टॉडलर्स में देखी जाती है, इसको एनल मस्कुलर स्टेज बोलते हैं। एनल मस्कुलर स्टेज मतलब यहाँ भी वही वाली स्टेज है जिसमें आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एंड मस्कुलर स्टेज, अब आप थोड़ा मसल्स आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है, एंड आप क्या करते हो, मोटर स्किल्स आपके डेवलप हो जाते हैं, एंड आप चीजों को ग्रैब करना शुरू कर देते हो, ठीक है, आप पकड़ना शुरू करते हो चीजों को। छोटे बच्चों में चीज देखी गई है। तो सबसे क्लोज आप यहाँ पे किसके होते हो? पेरेंट्स के होते हो। तो इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट क्यों है? ऑटोनॉमी होता है थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस बच्चों को दी जाती है अपना काम करने के लिए, ठीक है। अगर चलते चलते गिर गए, ठीक है, बच्चे खुद उठे, खुद संभले, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें एक लिटिल अमाउंट ऑफ या रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बच्चों में डालना शुरू हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेज अगर सही से डेवलप हो तो बच्चों में कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो ऑटोनॉमी वाली फीलिंग, वो सारा जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह, वो यहां से ही आता है। या तो आप ऑटोनॉमी सही डायरेक्शन में अगर नहीं गई तो क्या हो सकता है? शेम एंड डाउट, कि बच्चे को डाउट में डालो, शेम करो हर काम के लिए, कि अगर वो सही से काम नहीं कर पाए तो उनको वैसे जेस्चर्स दो जिससे उनको अच्छा फील ना हो। तो ये वो वाली स्टेज होगी। इसमें क्या होता है, हो जाता है इम्पल्सिविटी और कंपल्शन।
इम्पल्सिविटी का मतलब हुआ, इसमें क्या होता है कि आप सोचने समझने के बगैर ही काम करना शुरू कर देते हो। दैट मीन्स अगर ऑटोनॉमी आप एक्सट्रीम लेवल की दे दो तो लेटर स्टेज में बच्चा क्या करेगा, वो सोचने समझने के बगैर ही अपने डिसीजन ले सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में डेवलप हो सकता है। और कंपल्शन ये किस केस में होगा, अगर शेम एंड डाउट इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, वो कोई भी काम करने से पहले डरेगा, उसको कंपेल करके हर कोई काम जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या आपकी प्ले एज एंड स्कूल गोइंग एज में होता है, 4 to 6 ईयर्स के बच्चों में देखा जाता है, जिनको जो प्री स्कूलर्स होते हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव मतलब बच्चों को अपना काम थोड़ा करने के लिए खुद इनिशिएट करने दो। ठीक है, जैसे कि आपको कल स्कूल जाना है तो अपना टाइम टेबल जो है बच्चे को खुद बनवाओ, बेड जो है बच्चा अपना खुद सेट करे, तो ये होता है इनिशिएट करवाना। या बच्चे को गिल्ट ट्रिप कर दो, छोटे छोटे कामों के लिए उनको गिल्ट में डाल दो कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, वो चीज ऐसे होती है। ठीक है, तो उनको गिल्टी फील करा उनके एक्शन के लिए। तो अगर ये चीज आपने किया, या तो वो रूथलेसनेस आ जाएगी उसमें, दैट मीन्स उसमें लैक ऑफ एम्पैथी आ जाएगी। लैक ऑफ एम्पैथी ये एडल्ट्स में देखा जाता है, जैसे मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था एग्जाम्पल दी थी कि अगर किसी के हस्बैंड होते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं सारा दिन घर में बैठ के करती क्या, 4 बर्तन ही तो धोने होते हैं। ठीक है, जिसने चीजें सही से इनिशिएट की होंगी अपनी लाइफ में, एक प्रॉपर स्टेज में काम किया होगा, उसको ये चीज पता होगी कि 4 बर्तन धोने में भी एनर्जी लगती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सही से नहीं चला होगा, यहाँ पे वो लैक ऑफ एम्पैथी उसके अंदर आ जाती है। अब जो 4 से 6 साल की एज में अगर आप बच्चे की सही से डेवलप नहीं करोगे, लेटर स्टेज में बच्चा रूथलेस या उसमें लैक ऑफ एम्पैथी आ जाएगी, कि उसको एहसास नहीं होगा कि दूसरे का काम जो होता है वो कितना, वो भी कितना टायरिंग होता है। ठीक है, जैसे यूजुअली मैंने आपको हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल दी इस केस में। इनहिबिशन हुआ कि वो बच्चे काम, उनको बचपन में इतने गिल्ट में डाला गया है कि वो कोई भी काम जो है वो स्टार्ट करना चाहेंगे ही नहीं। ठीक, फिर आपकी स्टेज 4 आ गई, इसको लेटेंसी स्टेज बोला जाता है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री होता है ये आपका 7 to 12 ईयर चाइल्डहुड में आता है। ठीक है, तो वो हुआ जहां पे आप लर्न करना शुरू हो जाते हो, लर्निंग न्यू स्किल्स। तो जहां पे बच्चा सही से अगर डेवलप नहीं हो रहा है, नए स्किल्स सही से नहीं सीख रहा है, तो बच्चे में कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। तो इसमें नेबरहुड एंड स्कूल में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चों का। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चे को देखने को मिलेगी तो आउटकम क्या होगा, नैरो वर्चुअसिटी, दैट मीन्स वो जो स्किल्स है वो सही से सीख नहीं पाएगा कोई भी लाइफ में। एंड इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हिलाए वो रेस्ट में रहती है। ठीक है, तो इनर्शिया में रहोगे दैट मींस कोई काम ही नहीं करोगे। फाइन, हम मैं एक ही स्टेट में हूँ, मैं रेस्टेड स्टेट में हूँ अभी। स्टेज 5 हो गई ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो ये वो वाली स्टेज होगी 13 to 19 ईयर्स, जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनाना शुरू कर देते हो। जिनका वो सही से नहीं होता है उनको रोल कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें। तो पेयर ग्रुप एंड रोल मॉडल में सबसे ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन होता है। फनाटिसिज्म हो गया, फनाटिक्स, इसे रिलीजन फनाटिक्स भी बोला जाता है। ये आपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव में रिलीजन फनाटिक्स ही एग्जांपल नाम सुना होगा। तो होता है क्या, बेसिकली अगर आप अपने रिलीजन से खुद को इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करोगे, आपको बाकी सारे रिलीजन गलत लगना शुरू करेंगे। तो टू मच ऑफ पॉजिटिव, टू मच ऑफ आइडेंटिटी, वो फनाटिक्स हो गए। सेकेंड इज रेपुडिएशन, रेपुडिएशन होता है रिजेक्ट करना। ये किस केस में होता है कि जैसे आपको रोल कंफ्यूजन होगा अपनी आइडेंटिटी को लेके, ठीक है, आपको पता नहीं होगा खुद को किससे आइडेंटिफाई करना है, तो ये वाली रिजेक्शन वाली फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। स्टेज 6 इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये फिर यंग एडल्ट्स में आती है, जहां पे इंटीमेट रिलेशन की जरूरत होती है। या तो इंटीमेट रिलेशन बनेगा या तो बंदा आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर फ्रेंड्स सबसे क्लोज होते हैं। प्रोमिस्कुइटी होता है, अगर इंटीमेसी को अब आप ज्यादा ही हाई स्केल पे ले जाओ, आप एक पार्टनर से सेकेंड पार्टनर पे स्विच करते रहोगे, क्योंकि अभी तक आपका वो रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं हुआ होगा सही से। एक्सक्लूजन है, अगर आइसोलेशन इतना हाई लेवल का हो जाएगा तो आप क्या करोगे, वो एक्सक्लूडेड वाली फीलिंग जो इंसान में आ जाती है। जब 34 के भी हो गए और अभी तक किसी पार्टनर के साथ आपको कोई रिलेशन नहीं बना है, तो आपको खुद को वो अलग थलग, वो अलूफनेस या एक्सक्लूड होने वाली फीलिंग जो है आप में आ जाएगी। स्टेज 7 इज जनरेटिविटी वर्सेस टेग्नेशन। जनरेटिविटी मींस वो लोग, उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके अंदर लव होता है फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर के लोगों के बारे में, फ्यूचर जनरेशन के बारे में बहुत सोचते हैं। स्टेग्नेशन होता है जो सेल्फ इंटरेस्ट वाले, सेल्फ एब्जॉर्ब, सिर्फ अपना सोचना वैसे वाले लोग होते हैं। तो 35 to 65 ईयर्स में आता है ये। ओवर एक्सटेंशन मतलब बर्नआउट वाली फीलिंग, की अगर टू मच ऑफ जनरेटिविटी जिनमें होगी, टू मच ऑफ ये होगा थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जनरेशन ओनली, तो एक टाइम आता है जब वो बर्न आउट फील करेंगे कि अब मुझसे और नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है। अगर वो इतना ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन के पीछे हमेशा भागते रहे तो उनके अंदर ये ओवर एक्सटेंशन बर्नआउट वाली फीलिंग आ जाती है। रिजेक्शन वाली हो गई, ये स्टेग्नेशन वाले लोगों में आएगी, कि जो जिंदगी बस सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ एब्जॉर्ब में ही रहे हैं, ठीक है, उन्होंने फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचा है, तो उनके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उनके अंदर वो रिजेक्शन वाला जो आउटकम है वो आ जाता है।
क्योंकि उनका कोई रिलेशन डेवलप नहीं हुआ है और उन्होंने आज तक किसी के लिए कुछ किया नहीं है, वो हमेशा सेल्फ एब्जॉर्ब ही रहे हैं। स्टेज एट इज योर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी होता है ये वो कैटेगरी लोग होते हैं जो एट पीस होते हैं विद वन सेल्फ, उनको पता है कि हाँ उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, अचीव किया है एंड अब वो पीसफुल होते हैं इस स्टेज में आके कि हाँ मैंने अभी तक लाइफ में जो भी किया मैंने सही किया। डिस्पेयर वाले लोग इसके ऑपोजिट वाले लोग होते हैं, इन लोगों में लॉस ऑफ फेथ या कॉन्फिडेंस हो जाता है फेस करने के लिए चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, होपलेसनेस रिप्रेजेंट करता है डिस्पेयर को। तो ये सारी चीजें तो कौन सी कैटेगरीज में आती है, 65 टू सीनियर। अभी तक हर कैटेगरी ऑफ लोगों के साथ इनका कोई ना कोई रिलेशन रहा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, किसके क्लोज है, मैनकाइंड के। प्रिजम्पशन और डिसडेन जो है वो इसके नेगेटिव आउटकम्स है। प्रिजम्पशन की प्रिज्यूम करते हैं अगर मैंने ऐसा किया हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, ये अच्छा हुआ होता, वो अच्छा हुआ होता, दैट मीन्स टू मच ऑफ पॉजिटिव इनमें जो है वो भी क्या हो जाता है, एक नेगेटिव आउटकम बनता है, क्योंकि अभी तक भी वो एट पीस है लेकिन उसका आप देखो वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं मैंने और क्या किया होता लोगों के लिए, ठीक है, मैंने और क्या किया होता खुद अपने पीस के लिए। तो ये हो गया प्रिजम्पशन। डिसडेन वाली फीलिंग हो गई कि वो रिजेक्शन वाली फीलिंग, कि वो इस पॉइंट पे भी आके सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, ठीक है, वो ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने क्या किया है, वो अभी तक ये सोच रहे हैं उनके साथ किसने क्या गलत किया है। तो यहाँ पे डिस्पेयर और डिसडेन से वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपका एरिक्सन वाला, ये एक लंबा लेक्चर है, मैंने बस आपको शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करवाया है, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है जिन्होंने इन डिटेल देखा है, मैंने विद एग्जांपल्स हर स्टेज एक्सप्लेन किए जो मैं यहाँ पे अभी दोबारा मैं नहीं किया, क्योंकि इसका रिवीजन का मैराथन सीरीज का मकसद ही ये होता है कि जल्दी से आपको सारा एक क्विक रिकैप देना। तो एक रिकैप था, अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखना है उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 20 जो है एक बार ही देख लेना, ठीक। सोशलाइजेशन एंड इट्स थियरीज लेक्चर नंबर 21। अब आगे चलते हैं, सोशलाइजेशन होता क्या है, जब आपको आपकी सोसाइटी के वैल्यूज नॉर्म्स, ठीक है, वो आपको आपके अंदर इन्फ्यूज किए जाते हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू। सबसे पहले पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके क्लोज होते हैं, तो आपकी सोशलाइजेशन करते हैं, आपको सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज सिखाते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे उठना बैठना है, इसको सोशलाइजेशन भी बोला जाता है एंड इसको एनकल्चरेशन भी बोला जाता है। कहीं पे अगर आप एनकल्चरेशन टर्म देखोगे तो वो भी सोशलाइजेशन ही डिपिक्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, जेंडर एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड एडल्ट सोशलाइजेशन। प्राइमरी होता है जो बिल्कुल बच्चे के स्टार्टिंग में होती है, वो विद इन द फैमिली। कौन आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन करेगी, आपके पेरेंट्स करेंगे जो सबसे क्लोज होंगे आपके। ये जो पेरेंट्स है इनको सिग्निफिकेंट अदर्स भी बोला जाता है, जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, जैसे आपका पेरेंट हो गया या स्पाउस हो गया, इनको सिग्निफिकेंट अदर या डिस्क्रीट अदर भी बोला जाता है, डिस्क्रीट अदर, ठीक है। तो फिर जो बाकी आपके फ्रेंड्स एंड पेयर ग्रुप्स वगैरह हो गए, इनको जनरलाइज्ड अदर बोला जाता है, और जो सोसाइटी के बाकी मेंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है जनरलाइज्ड अदर, ठीक है। और सिग्निफिकेंट अदर हो गए आपके पेरेंट्स एंड स्पाउस वगैरह जो आपके सबसे क्लोज होते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन छोटे बच्चे को सबसे पहले कौन सिखाता है कि बेटा अगर घर में कोई बड़ा आएगा तो उसको सलाम करना, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सोशलाइजेशन की एग्जाम्पल है, तो वो आपको विद इन द फैमिली होती है। सेकेंडरी होता है जो प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, आप स्कूल जाते हो, वहां पे आप अलग चीजें सीखते हो, सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सारे वैल्यूज आप स्कूल में सीखते हो। फ्रेंड्स से आप पेयर ग्रुप है उनके साथ रहना, कोई गेम अगर आप खेल रहे हो गेम में रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड्स एंड पेयर ग्रुप में सीखते हो। जेंडर सोशलाइजेशन सिंपली क्या होता है, आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि बचपन से आप ऐसी बातें सुनते हो ना, लड़की है लड़की को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, लड़की को वैसे बिहेव करना चाहिए, लड़की को कल को दूसरे घर जाना है, लड़कियां इतने बजे घर से बाहर नहीं रहती, इतने बजे के बाद जो है वो घर से बाहर नहीं रहती है, लड़का जो है ठीक है 10 बजे के बाद बाहर आ सकता है, और अगर लड़की है आप कहीं गिफ्ट देने जा रहे हो लड़की को तो पिंक कलर के कपड़े लेके जाओ, लड़के को जा रहे हो तो ब्लू कलर के कपड़े लेके जाओ। तो बेसिकली इन डिफरेंट जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, सेक्सुअल सेक्स बायोलॉजिकल आप बोलते हो मेल एंड फीमेल, ठीक है, उसको आपने एक सोशल टर्म दिया है। अब आप सोसाइटी के वैल्यूज के अकॉर्डिंग बोलते हो किस सेक्स से, चाहे फीमेल सेक्स हो या मेल सेक्स है, कि आप उनसे क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हो, क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो, वो जेंडर सोशलाइजेशन हुआ। लड़की है तो ऐसे काम करेगी, लड़के है तो वैसे काम करेंगे, अगर बाहर जाके कोई काम करना है वो बॉयज करेंगे, एंड अगर हाउस होल्ड चोर्स घर की कोई घर का कोई काम है तो वो गर्ल्स करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गया, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जेंडर सोशलाइजेशन कर रहे हो, और ये हमारे घरों में बिल्कुल शुरू से होता है। छोटे बच्चों से नर्सरी क्लास की लड़की को भी कई घरों में बोला जाता है कि लड़कियों को ये नहीं करना है, कल को आपको दूसरे घर जाना है, बहुत बचपन से ये सारी बातें दिमाग में डाली जाती है। तो बेसिकली आप जेंडर तरीके से आप एक जेंडर रोल्स की जो है वो सोशलाइजेशन कर रहे हो, उनके दिमाग में वैल्यूज जो है सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है अलग अलग जेंडर को लेके वो बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो, तो उसको जेंडर सोशलाइजेशन बोला जाता है।
एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, आप खुद को पहले से किसी एक रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जो वो ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप एंट्री चाहते हो, जिस ग्रुप का आप मेंबर बनना चाहते हो, आप उनको पहले से ही उनके वैल्यूज को फॉलो करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आप यूपीएससी का कोई ग्रुप देखते हो एस्पिरेंट्स का, फाइन, जो आपके हिसाब में काफी ज्यादा जो है वो मतलब क्वालिफाई करने का उनमें पोटेंशियल है। तो आप क्या करोगे, खुद को चेंज करोगे उस ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो उनका आप वही फॉलो करना शुरू कर दोगे, जैसे वो उठते बैठते हैं आप वही चीजें फॉलो करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको उनके ग्रुप में एंट्री चाहिए। तो जिस ग्रुप का आपको मेंबर बनना है, आप पहले से ही उस ग्रुप की वैल्यूज अपने अंदर डालना शुरू कर देते हो, दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन होता है, जैसे सिंपल इसकी एग्जाम्पल होगी, ब्राइड अगर जब कहीं जाती है, कहीं क्या, जब अपने शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, तो वो इन लॉज के नए से वैल्यू सीखती है, उसके घर के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं वो अलग होते हैं, फिर ससुराल में जाके उसको नए से चीजें सीखनी होती है, तो इट इज अ टाइप ऑफ रीसोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन होता है जब आप एक मच्योर अडल्ट बन गए हो, वहां पे जाके आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस गए हो, ठीक है, तो ऑफिस के सेटिंग में आप कोई नई चीजें सीख रहे हो, तो दैट इज अडल्ट सोशलाइजेशन। या हस्बैंड जो है, एक बैचलरहुड लाइफ जो थी, बैचलर लाइफ वो अलग थी, फिर जब शादी के बाद वो पति बन गया तो खुद कोई नई चीजें उसने सीखी, वाइफ ने कोई नई चीजें सीखी, तो उसको अडल्ट सोशलाइजेशन बोला जाता है। इन दो चीज टर्म्स जो है, अडल्ट और रीसोशलाइजेशन, कभी कभी इनको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। अब अगर एग्जाम में दोनों चीजें आ जाती हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे फोकस करना, फाइन। अगर सिंपल एक एडल्ट की बात है, जैसे अगर खासकर जो एडल्ट सोशलाइजेशन है वो यूजुअली उसका क्वेश्चन रिलेटेड आता है एम्प्लॉय से, अगर एम्प्लॉय के बेस का कोई क्वेश्चन होगा, वर्क ऑफिस कल्चर पे कोई क्वेश्चन बेस्ड होगा, तो वहां पे आंसर आप एडल्ट सोशलाइजेशन लिखोगे। और अगर ब्राइड के रिलेटेड होगा कि शादी के बाद नए वैल्यूज सीखना, तो वो रीसोशलाइजेशन हुआ। तो रीसोशलाइजेशन में क्या होगा कि बेसिकली आपको बिल्कुल ही ओवरहॉल हो जाता है पुरानी सारी सोशलाइजेशन जो आपने सीखी है अभी तक, हो सकता है वो कुछ चेंज करनी पड़े या एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, वो रीसोशलाइजेशन हुआ। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन आपको सोशलाइज करवाता है, उसकी कुछ एग्जांपल, फैमिली, पेयर ग्रुप, स्कूल, मास मीडिया, आप नई चीजें मास मीडिया से भी सीखते हो, वो भी आप में कुछ वैल्यूज पुट करती हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका फैमिली, मैरिज, किनशिप वगैरह, इसको सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है जो आपके अपनी साइकोलॉजी है, ठीक है, आपके अपने दिमाग की चीजें, अपना आपका अपना साइकी, तो वो क्या, उसमें क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई आपने सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीखी हैं, लेकिन बाद में आपको जाके लगे, आपके अपने दिमाग आपको बोले कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ठीक है, तो आप उस चीज की क्या करोगे, आप वो चीज नहीं मानोगे, आप वही वैल्यूज सिर्फ सीखोगे जो आपको लॉजिकल और रैशनल लगेंगी, तो वो आ गया आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। नीड्स होगी, देखो हर इंसान की कुछ नीड्स होती है, इमोशनल होगी, फिजिकल नीड्स होगी, तो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो एक इंस्टीट्यूशन में चाहे घुसे, फॉर एग्जाम्पल अपने फिजिकल नीड्स या इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो शादी करता है, और मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाके वो नई वैल्यूज वगैरह जो है, नॉर्म्स वैल्यूज ये सारी चीजें सीखता है, तो एक नए तरीके से उसकी सोशलाइजेशन होती है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नेबरहुड, अपने आसपास के लोगों को देख के भी आप कोई वैल्यूज वगैरह पिक कर लेते हो, तो ये भी एक्ट करता है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। आगे थियरीज देखते हैं सोशलाइजेशन की, पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थियरी देखेंगे। इनकी थियरी में पहले मैं आपको बोलती हूँ सेल्फ क्या होता है। देखो सेल्फ हम तब बोलते हैं, हमारा डेवलप हुआ है जब हमने सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीखे हैं, दैट मीन जब हमारी सोशलाइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है, हमें घर वालों ने चीजें बताई हैं कि क्या सही है, डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या है, वो थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर आना शुरू हो गया है, हमें उन चीजों की समझ होना शुरू हो गई है। तो मीड ने क्या कहा था, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई सेल्फ नहीं होता है, ऑब्वियसली एक दिन का बच्चा है, दो दिन का बच्चा है, तो उसके अंदर अभी सेल्फ डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसको डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी का पता नहीं है। फिर आता है सेकंड स्टेज, वो होगी प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में हम क्या करते हैं, वो वाली स्टेज है जिसमें बच्चे हैं वो इमिटेट करते हैं अपने सिग्निफिकेंट और डिस्क्रीट अदर्स को। ये मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट डिस्क्रीट अदर्स कौन से हैं, तो प्ले स्टेज में कौन से ही होंगे, ये आपके पेरेंट्स वगैरह, ठीक है। तो आपने देखा होगा गर्ल्स यूजुअली अपनी मामा को कॉपी करना शुरू कर देती हैं, जैसे उनके बाल होंगे वैसे बाल रखना शुरू करती हैं, या बात करने का तरीका, या बच्चे अपने डैड को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे इनको क्या होता है, एक इंडिकेशन है कि उनका सेल्फ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गया है। तो प्ले स्टेज में एक लिमिटेड सेल्फ डेवलप होता है। फिर आती है गेम स्टेज। गेम स्टेज वो वाली स्टेज है जिसमें बच्चे का जो सेल्फ है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, ठीक है। और वो कैसे डेवलप होता है, विद हिज इंटरेक्शन विद जनरल अदर्स, जनरलाइज्ड अदर्स। जनरलाइज्ड अदर्स कौन से होंगे, सोसाइटी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता उसका एक सेल्फ पूरा डेवलप होता है और उसकी सोशलाइजेशन जो है वो पूरी
होना शुरू हो जाती है, मतलब एक हाई लेवल ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो हो जाती है। हम कंप्लीट नहीं बोलेंगे, सोशलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सोशलाइजेशन आपकी चलती है आपके बर्थ से आपके डेथ तक, ठीक है। तो मीर ने बेसिकली हमें कुछ स्टेजेस बताई थी सोशलाइजेशन की। तो उन्होंने कहा प्ले स्टेज होती है पहली, एंड दूसरी होती है आपकी गेम स्टेज। और जो बच्चा प्ले स्टेज में क्या होता है, एक लिमिटेड सेल्फ डेवलप होता है, गेम स्टेज में सेल्फ पूरा डेवलप हो जाता है, और जो न्यू बॉर्न है उसका कोई सेल्फ नहीं होता है, फाइन। तो उन्होंने कहा जो ये सेल्फ है उसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक आपका आई होता है और एक आपका मी होता है। आई हो गया आपका क्रिएटिव सेल्फ, जो आपका अंदर एक रिबेल होता है ना कि नहीं मुझे यही करना है, करूंगा तो यही करूंगा, जिसमें आपकी थिंकिंग ज्यादा सामने आती है। मी होता है वो इंसान के अंदर का वो कॉम्पोनेंट जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो है उस पर खरा उतरना ज्यादा बेहतर समझता है, कि वो ऐसा खुद को रिप्रेजेंट करता है जैसा सोसाइटी चाहती है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ है इसके अंदर बेसिकली दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक आपका आई वाला पार्ट होता है और एक आपका मी वाला पार्ट होता है। देखो इसमें आप खुद की एग्जाम्पल लो, ठीक है, आपका सेल्फ डेवलप हुआ है अभी, ठीक है, आप गेम स्टेज के अंदर आपका सेल्फ डेवलप हुआ है जनरलाइज अदर्स के साथ आपके इंटरेक्शन से। आपके अंदर दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक आपका आई वाला कॉम्पोनेंट होगा जो कहीं ना कहीं रिबेल होगा, जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को क्वेश्चन करेगा, और कोई आपके अंदर एक मी वाला कॉम्पोनेंट होगा जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करेगा एंड खुद को वैसा बनाना पसंद करेगा जैसा सोसाइटी के हिसाब से एक आइडियल इंसान होता है, ठीक है। तो सेल्फ के अंदर दो कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो ये थियरी हमें किसने दी थी, ये थियरी हमें दी थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। फिर कूले ने क्या कहा था, लुकिंग ग्लास सेल्फ की थियरी दी थी उन्हें सोशलाइजेशन की। उन्होंने क्या कहा था, इसको रिफ्लेक्टेड सेल्फ भी बोलते हैं, कि आइडिया अबाउट वन सेल्फ इज बेस्ड अपॉन द ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट हर और हिम। इसमें क्या होता है, आप खुद को वैसा देखना पसंद करते हो जैसा लोग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बार बार बोलो कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, किसी इंसान को, चाहे वो इंसान इंटेलिजेंट ना भी हो लेकिन आपके सामने वो हमेशा खुद को इंटेलिजेंट ही प्रेजेंट करना चाहेगा, ठीक है, दैट इज अ लुकिंग ग्लास सेल्फ। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव होता है आपका इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट, जहां पे भी कॉग्निटिव टर्म होगा उसका मतलब यही होता है। तो इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई थी हमें जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में। स्टेज वन इज 0 to 2 years के बच्चों के लिए, सेंसरी मोटर स्टेज है, उनके सेंसेस और मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। इस एज में क्या होता है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उसके अंदर इमेज जो है वो फॉर्म नहीं हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल 3-4 महीने का बच्चा होगा, अगर उसकी मदर उसके सामने है तो उसको लगेगा कि हाँ वो खुश होगा, अगर सामने से हटती है वो कहीं और जाती है तो उसके अंदर वो इमेज डेवलप होने वाला अभी कैरेक्टर नहीं आया है, उनको लगता है सामने अगर कोई चीज नहीं है तो वो अब है ही नहीं दुनिया में, तो रोते रोते बुरा हाल करते हैं कि वो कहाँ गया। फिर आते आते जब 2 years तक का बच्चा हो जाता है, इमेज जो है उसके अंदर वो डेवलप हो जाती है, उसको पता है कि हाँ अगर मम्मा सामने नहीं है तो शाम तक आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल शुरू के स्टेज का, जब शुरू हो रहा होता है शुरू के इयर्स में, तब वो इमेज फॉर्म जो है वो बच्चों के अंदर वो डेवलप होना नहीं हुआ होता है अभी, उनको लगता है जो सामने अगर मामा नहीं है तो शायद मामा है ही नहीं। स्टेज 2 इज 2 to 7 years, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दे लर्न टू टेल द डिफरेंस बिटवीन सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। जब स्टेज जो है शुरू हो जाती है तो बच्चे जो है वो सिंबल्स और उनके मीनिंग्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी जो बेटा है वो 3 years का होने वाला है माशाल्लाह, तो वो क्या करता है, वो कोई फोटो फ्रेम अगर देखेगा तो वो उठा के हेलो बोलने लगता है। तो फोटो फ्रेम है, फोन है, फोटो से हम बात नहीं कर सकते, फोन से बात करते हैं, ये सिंबल और उनके मीनिंग को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो जब ऐसा ऐसा बच्चा 7 years तक या 4, 5, 6 years क्रॉस करना शुरू हो जाएगा, ही विल बी एबल टू टर्न टेल द डिफरेंस बिटवीन द सिंबल एंड देयर मीनिंग्स। फिर 7 to 11 आपका स्टेज 3 हो गया, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंपल कैलकुलेशन कर पाते हैं, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग वाली चीजें, एब्स्ट्रैक्ट वाली चीजें, वो इस एज में बच्चे नहीं कर पाते, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। इसमें जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन लिमिटेड टू कंक्रीट सिचुएशंस एंड टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन जो उनके सामने है वही वो सिर्फ कर पाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पाते हैं। एग्जाम्पल, दे अंडरस्टैंड यू कैन एड 2 numbers, आपके 1 और 2 है, आप इनको एड कर सकते हो, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे रीजनिंग वाली, आपने रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करते हो, आपको क्वेश्चन एक स्टेटमेंट का दिया होता है लेकिन उसमें आपको 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं, 20 चीजें सोचनी पड़ती हैं, कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, वो इस स्टेज में बच्चा नहीं कर पाता है, वो 4th stage में होता है, 12 to 15, कहीं कहीं पे 12 to 15 लिखा होगा एंड कहीं पे इसको 12 to later लिखा होता है,
ठीक है, तो वो दोनों स्टेज फोर ही आता है। इसका नाम क्या है, फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो बच्चे की डेवलप हुई होती है। तो ये हो गया आपका जीन प्याजे की थियरी। फिर हो गया आपका कोलबर्ग थियरी। कोलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं। तो इन्होंने कहा था स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में अभी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बच्चों में डेवलप नहीं हुआ होता है। सिर्फ वो क्या करते हैं, अगर उनको पता होता है कि हमें क्या करना है टू अवॉइड पनिशमेंट एंड सेकेंडली टू रिसीव अवार्ड्स, हमें क्या चीज करनी चाहिए, उनको खुद से ये पता नहीं होता क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो बस पनिशमेंट अवॉइड करना चाहते हैं एंड कुछ रिवॉर्ड्स हासिल करना चाहते हैं, तो ही वो कोई एक्शन करेंगे। स्टेज 3 कौन सी स्टेज होगी, जब दे आर अवेयर ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स, उनको वेग आइडिया हो जाता है राइट एंड रॉन्ग का, कि उनको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज गलत है ये चीज सही है, हल्का वेग आइडिया हो जाता है। फोर्थ जब उनमें मॉरल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मुझे किसी ने शायद क्वेश्चन भी किया था जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है उसमें, यहाँ पे इन दो में कुछ मिक्सअप हो गया है, मॉरल कॉन्शियसनेस शायद स्टेज 3 के साथ ही मैंने बोला है वहां पे, तो ये आप करेक्ट कर लेना। मॉरल कॉन्शियसनेस बच्चे में स्टेज 4 में डेवलप होती है, स्टेज 3 में वो वेग होती है, फिर वो अच्छे से डेवलप हुई होती है स्टेज 4 में। ठीक है, स्टेज 5 इज मोरालिटी इंडिपेंडेंट ऑफ कन्वेंशनल वैल्यूज। अब कन्वेंशनल वैल्यू क्या है, हमें पता है कि लाइंग जो है ये गलत बात है, इट इज बैड, फाइन, लेकिन अब होगी ये वो वाली स्टेज है जब बच्चे में मोरालिटी हो जाती है, लेकिन वो मोरालिटी कन्वेंशनल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कन्वेंशनल वैल्यू आपको पता है लाइंग इज बैड, लेकिन आपको इस स्टेज में ये पता चल जाता है कि हम अगर हमें किसी की जान बचानी है तब हम झूठ बोल सकते हैं, अगर वो झूठ जो किसी की लाइफ सुधार सके वो झूठ बुरा नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मोरालिटी है वो कन्वेंशनल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। स्टेज 6 जब आपका अपना सेंस ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल सेट ऑफ वैल्यूज वगैरह डेवलप हो जाते हैं काफी कंक्रीट फॉर्म में, उनको चेंज करना मुश्किल होता है, वो यूनिवर्सल होती है एंड कंसिस्टेंट होती है, एग्जाम्पल महात्मा गांधी जीसस क्राइस्ट वगैरह। तो ये होगी कोलबर्ग्स के 6 स्टेजेस। तो ऐसे करके आ सकते हैं आपको, जैसे नाम दिए होंगे कि ये जो स्टेजेस हैं, ठीक है, ये सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट, ये किसकी थी, ये जीन प्याजे की थी। एंड आपको ये बोला जा सकता है प्ले स्टेज गेम स्टेज जो है किसने दिया है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है, फाइन। ये आपको कोलबर्ग की थ्योरी का कोई स्टेज का क्वेश्चन पूछा कि मॉरल कॉन्शियसनेस किस स्टेज में डेवलप होती है एज पर कोलबर्ग थ्योरी, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये भी खत्म हो गया, सोशलाइजेशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर जो है उसका रिविजन कर लेते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसको बोला जाता है पैथोलॉजिकल फेयर एंड एंग्जाइटी। अब देखो फेयर एंड एंग्जाइटी जो है टॉलरेबल लिमिट में नॉर्मल लेवल में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन से पहले हमारे अंदर वो फेयर और एंग्जियस वाली फीलिंग डेवलप होती है, उतना जो है टॉलरेबल लिमिट्स के अंडर वो नॉर्मल है। लेकिन पैथोलॉजिकल रिप्रेजेंट करता है जब ये फेयर एंड एंग्जाइटी जो है एबनॉर्मल एंड अनहेल्दी लेवल्स की हो जाए, एंड अनहेल्दी लेवल की। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हुए, ये आप नोट से देख लेना। तो वेग अनप्लेजेंट एंड फीलिंग ऑफ फेयर आपके अंदर डेवलप होता है, लैटिन वर्ड एंगियर से निकला जिसका मतलब होता है टू चोक और टू स्ट्रैंगल, ऑफन नॉट ट्रिगर्ड बाय रियल थ्रेट। हमें बस क्या होते हैं, हम एंक्शियस फीलिंग होती है कभी कभी, और क्या होता है जिस इंसान को ये हो रही होती है उसको रीजन भी नहीं प्रॉपर पता होता है, बस उसके अंदर काफी चीजें दिमाग में चल रही होती है जिसकी वजह से एंग्जाइटी वाली फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। एंड वो बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि काफी सिचुएशन जिनसे वो गुजर रहा होता है, एक तो उनका नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि चीज सही जाएगी या नहीं, एंड सेकेंडली वो उसके कंट्रोल में नहीं होती इन चीजें, लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है एंग्जाइटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स का टेंशन है किसी को, बच्चों का, सिबलिंग्स का, कि सब ठीक है कि नहीं, अगर ज्यादा इस बारे में सोचने बैठे कि ठीक है कि नहीं, और ये सिचुएशन ऐसी है कि किसी इंसान के भी कंट्रोल में नहीं है और काफी अनप्रेडिक्टेबल है कि हर टाइम कोई ना कोई जो है हर टाइम हर इंसान ठीक तो नहीं रह सकता ना। अब कोई अगर इस बारे में ज्यादा सोचे तो एंग्जाइटी वाली फीलिंग आना जो है वो पॉसिबल है। People who feel anxious are often not aware of the reasons for their fear. ठीक है, causes genetics भी हो सकते हैं कि parents को भी होती थी ऐसी feelings, and then आप में भी student जिसको हो रही होगी feeling उसमें भी pass हुई होगी। Substance abuse, drug addicts वगैरह उनके अंदर anxiety ज्यादा देखने को मिली है, illness की वजह से या past में कोई embarrassment face हुई है या किसी के death of loved one वगैरह हुई है, तो उन चीजों की वजह से भी anxiety वाली feeling जब develop हो जाती है। Fine, तो ये हो गया anxiety। हाँ, इंटरवेंशन में हम देखते हैं किस तरीके से एंग्जाइटी को थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है, इसके अलग पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव पहले कहता क्या है कि हर किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में अगर कोई अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रह जाए तो वो लेटर स्टेज में एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, जिसको हमने अभी क्या कहा था, फिक्सेशन।
ठीक है। तो साइकोथेरेपिस्ट का क्या कहना है कि उसको एंजाइटी को दूर करने के लिए हमें उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है सिंपली। तो बिहेवियर पर्सपेक्टिव बीएफ स्किनर वाला, बीएफ स्किनर नाम आप इस साथ याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट नेम है, बिहेवियर पर्सपेक्टिव के साथ एसोसिएट किया जाता है। इन्होंने कहा था पहले कंडीशनिंग करनी चाहिए एंग्जाइटी को रिमूव करने के लिए, फिर रीइंफोर्समेंट एंड फिर एक्सटिंक्शन। कंडीशनिंग क्या होता है, जैसे पहले आप आहिस्ता आहिस्ता किसी को, इंसान की अगर किसी चीज से एंग्जाइटी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मैं आपको आगे भी दूंगी, फ्लाई करने से, फ्लाइट से किसी को एंग्जाइटी होती है, तो पहले आप उसकी कंडीशनिंग करोगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको दिखाओगे, चाहे फोन पे, चलो फ्लाइट छोड़ दो, वो एग्जाम्पल मैं आपको आगे बोलूंगी। किसी को कुत्तों को देख के एंग्जाइटी होती है, तो पहले आप क्या करोगे, कंडीशनिंग करोगे उसकी, उसको डॉग फ्रेंडली वीडियोज दिखाओगे, कुत्तों के थोड़ा नजदीक ले जाओगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप चीजें इंप्रूव करना शुरू कर दोगे, फिर री इन्फोर्समेंट की हाँ शबाश यू डूइंग गुड थिंग, देखो डॉगी के सर पे हाथ रखो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो सेकंड स्टेज होगी। थर्ड, फिर ये करते करते क्या हो जाएगा, जो फेयर है उसका, जिस चीज से एंग्जाइटी हो रही थी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो ये थ्री स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहले कंडीशनिंग, फिर रीइंफोर्समेंट एंड फिर लास्ट में एक्सटिंक्शन आता है। तो इसी बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के टाइप्स हैं, या इसके आप बोल सकते हो अलग अलग तरीकों से जिन्होंने थेरेपीज ने ये पर्सपेक्टिव यूज किया है। एक्सपोज थेरेपी, एक्सपोज द पर्सन टू स्टिमुलाई, फॉर एग्जाम्पल किसी को स्पाइडर का डर है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बॉटल स्पाइडर क्यों लिखी है, क्योंकि लेक्चर में मैंने ये एग्जाम्पल दी है, तो अगर आप नोट्स में ये एग्जाम्पल लिखोगे आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा कौन सी थेरेपी से रिलेटेड है। तो बॉटल, फॉर एग्जाम्पल किसी को फेयर ऑफ स्पाइडर है, उस चीज को, स्पाइडर्स को देख के एंग्जाइटी डेवलप होती है, तो उसको क्या करोगे, एक्सपोज करोगे उसके फेयर के साथ, एक बॉटल में स्पाइडर डाल दोगे, ठीक है, उसको कहोगे देखो स्पाइडर को कुछ नहीं कर रहा है, बॉटल में रह रहा है आराम से, छोटा है कितना आपको क्या करेगा, फिर ऐसा बॉटल का ढक्कन खोलोगे, उसको बोलोगे देखो स्पाइडर को, ये आपको कुछ नहीं करेगा। तो वैसे करके उसको अपने फेयर से थोड़ा बहुत एक्सपोज करके उसके फेयर को दूर करने की कोशिश करोगे। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें क्या होगा, थेरेप्यूटिक टेक्निक है, इसमें फ्लाइट वाली एग्जाम्पल है, किसी को अगर फ्लाई करने से डर लगता है तो उसकी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करोगे, कि पहले उसको एयरपोर्ट ले जाओगे, उसको फ्लाइट दिखाओगे, फ्लाइट एक बोर्ड कराओगे, अगर आपकी उतनी चैनल है फ्लाइट बोर्ड करा के फ्लाइट से वापस लेके जाओगे उसको, ठीक है, या उसको छोटे छोटे बच्चे एयरपोर्ट पे दिखाओगे जो हंसते हंसते जाके फ्लाइट बोर्ड करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक्सपोज करोगे इंडिविजुअल को टू द फेयर स्टिमुलाई व्हाइल साइमल्टेनियसली टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है, उसको बोलोगे देखो ये सब हो रहा है ना, आपको किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो ये बेसिकली है क्या, यही रीइंफोर्समेंट है, उसको एयरपोर्ट में ले जाते टाइम पे साथ में रिलैक्स भी करते रहोगे, देखो हमारे साथ कुछ अभी तक बुरा नहीं हो गया है, हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं आराम से, आप सारी फ्लाइट्स देख लो कैसे छोटे बच्चे बोर्ड कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली आप उसको डिसेंसिटाइज करोगे और उसके फेयर को रिमूव करने की कोशिश करोगे। फिर इम्प्लोसिव थेरेपी हो गया, इसमें अनरिजॉल्व पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी के, उनको रिजोल्व करने की कोशिश करोगे। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो उसको क्या करोगे, एक कंट्रोल थेरेपेटिक एनवायरमेंट में ले जाओगे अपने ही रूम में, उसको बोलोगे आईज क्लोज करो एंड इमेजिन करो आप किसी क्लिफ पे हो, किसी पहाड़ पे हो, ठीक है, तो आप पहाड़ पे हो, आप नीचे नहीं गिर रहे हो, आप इमेजिन करो आप क्लिफ पे हो, आप स्लोली स्लोली नीचे उतरोगे, आपका कंट्रोल, आपकी टांगे आपके पास हैं, आपको डरना नहीं है फ्लाइट इससे, हाइट से। तो ऐसे करके आप एक कंट्रोल थेरेपेटिक एनवायरमेंट में पॉजिटिव बातें उसको बोल के रीइंफोर्समेंट करके आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे। फिर मॉडलिंग, इसमें मैं आपको इंटरव्यू की एग्जाम्पल दी थी, किसी को अगर इंटरव्यू से डर लगता है, वो एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है जब वो इंटरव्यू देने जाता है, तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, खुद एक इंटरव्यूअर बन के उसको क्या करेगा, इंटरव्यू करने की कोशिश करेगा, उसके रिएक्शंस नोटिस करेगा एंड उसको क्या करेगा, करेक्टिव फीडबैक देगा कि उसको कैसे करके काम करना चाहिए। तो बेसिकली मॉडल करना हो गया रेप्लिकेट करना, एक बिल्कुल वैसा ही माहौल दोबारा रेप्लिकेट करना, इंटरव्यू वाला माहौल, ठीक है, तो उसको वो चीजें बताना, इंटरव्यू लेना उसका, और वैसे करके उसका जो डर है वो निकालना। अगर ऐसे 5-6 प्रैक्टिस सेशंस उसने किए हों, प्रॉपर फॉर्मल इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू से पहले उसने कहीं दिया हो, तो उससे क्या होता है, एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। जैसे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज का एक फायदा ये भी होता है, एक्चुअल इंटरव्यू की जो एंग्जाइटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। कॉग्निटिव थेरेपी हुआ, अगेन उसका वो जो मेंटल प्रोसेस है और इंटेलेक्ट है, लॉजिक रीजनिंग, वैसे करके जवाब देके उसको उसकी एंग्जाइटी रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। अब कैटेगरीज देखते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। एक है आपका गैड, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली सिंपल जनरल एंग्जाइटी वाली बात है, इसमें वही चीजें, एक्चुअल डेंजर प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोलॉन्ग्ड और वेग फेयर होता है इंसान के अंदर, इसको फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी भी बोला जाता है।
इसके कॉजेज में है बायोलॉजिकल, साइको एनालिटिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल में एक आ गया जेनेटिक फैक्टर जो जीन्स पे मैंने कहा होता है, एंड देन ब्रेन एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज। इसके एग्जाम्पल क्या होगी, हमारे अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं गाबा, गामा एमिनो एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, दैट मीन न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या काम होता है, ये मैसेजेस ट्रांसमिट करता है नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में, कुछ सिग्नल्स पास करता है। अगर ये प्रॉपरली काम ना करे तो एक एंग्जाइटी डेवलप, उनमें एंग्जाइटी जो है डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिन पेशेंट्स में ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है सही से काम नहीं कर रहा होगा। और आगे आपका सीआरएच, दैट इज अ कोर्टिकोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये भी अगर सही से काम नहीं करे तो भी एंग्जाइटी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा है। सेरोटोनिन एंड नोरिपाइन फ्राइन, ठीक है, ये कंपाइल पीडीएफ में देख लेना, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। अगर ये सारे हार्मोन जो है सही से काम नहीं करेंगे तो आपके अंदर एंग्जाइटी, तो आपके नहीं सॉरी, कोई एक स्टूडेंट अगर ऑफेंड हो गया था पुराने लेक्चर्स में कि आप ऐसे करके बोलते हो आपके, तो यूजुअली मेरा ये मतलब नहीं होता, मैं आपको आप नहीं बोल रही हूँ, ये एक बोलने में फ्लो में ही हो जाता है जब आप एक घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये सारी जो छोटी मोटी चीजें बोलने में हो जाती है वो चीजें आप उनको ओवरलुक किया करो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा क्या होता है इसमें से इन्फॉर्मेशन लेना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है वो लो, एंड थोड़े टिडबिट्स इधर उधर बोलने में गड़बड़ हो जाती है, लीव दैट। तो डेफिशिएंसी इन गाबा जिनमें होगी उनमें एंग्जाइटी डेवलप होने के चांसेस हैं। अगर किसी में जो गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर है सही से काम नहीं कर रहा है उनमें डेवलप होता है, कॉर्टिकोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, सेरोटोनिन एंड नोरिपाइन फ्राइन ये सारे हार्मोन जो है किससे रिलेटेड है, ये आपके जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर जो है गाबा इट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। साइको एनालिटिक अप्रोच जो क्या कहता है कि एक अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन ईगो एंड आईडी इंपल्सेस यूजुअली सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इन नेचर। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है आपके, मैंने कहा था पर्सनालिटी में एक आईडी पार्ट होता है एंड एक ईगो पार्ट होता है, ये प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट वाला है इंपल्सिव सोचने समझने के बगैर जो काम करेगा, एंड ईगो जो है जो लॉजिक एंड रैशनल थिंकिंग लगाएगा। तो कोई भी अगर चीज होती है आपको अपनी कोई भी अर्ज पूरी करनी होगी तो आपके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है ना आईडी के अंदर और ईगो के अंदर कि बेसिकली काम कैसे करना चाहिए, तो वो अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा यूजुअली ये होता है जब आप सही से चीजें अपने सामने नहीं रख पाते हो, चाहे वो सेक्सुअल इन नेचर हो या अग्रेसिव इन नेचर हो, तो उस वजह से ये एंग्जाइटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो कब होती है, जब आपके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है आईडी और ईगो के बीच में। आईडी ईगो क्या होता है ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच क्या कहता है, इसका कॉज क्या है, एंग्जाइटी का कॉज है कि आपके अंदर अगर लैक ऑफ कंट्रोल हो, अगर सिचुएशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो एंग्जाइटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी लैक ऑफ कंट्रोल एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली, तो यही चीज कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच ने कही है। तो इसकी ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स हैं जैसे बेंजोडायजेपिन कैटेगरी वाले या ब्यूसीपायरोन कैटेगरी, ठीक है, एंड ये इसकी ट्रीटमेंट में काम आते हैं। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है रेकरिंग थॉट्स होते हैं कि एक चीज बार बार आपके दिमाग में आती जाएगी, जैसे आपको हाथ धोने, ठीक है, तो आपके अंदर एक ऑब्सेशन आ जाता है कि हाथ धोने, फिर कंपल्शन आ जाएगा कि आपने वो एक्शन परफॉर्म कर लिया हाथ धोए, लेकिन अगेन आप खुद को कंपेल करोगे कि बार बार ही वो एक्शन करते जाओ, इसी का मतलब था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पहले ऑब्सेशन हो गई, कंपल्शन में आपने एक बार हाथ धो लिए तो एक्शन परफॉर्म आपको टेम्पररी रिलीफ मिल गया, लेकिन फिर से आप खुद को कंपेल करोगे कि वो एक्शन दोबारा परफॉर्म करो, जैसे कोई हाथ धोएगा तो बार बार हाथ धोते जाएगा, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। एंड WHO ने कहा है ओसीडी जो है वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है, इसके कॉज में जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, और इसमें कनेक्शन देखा गया है टूरेट सिंड्रोम एंड ओसीडी में, कि अगर किसी पुरानी जनरेशन में किसी की टूरेट सिंड्रोम होगा तो हो सकता है आने वाली जनरेशन में ओसीडी देखने को मिले। टूरेट सिंड्रोम आपको क्या होता है देखने के लिए, आपको रानी मुखर्जी की मूवी हिचकी देखनी होगी या उसका थोड़ा क्लिप देख लेना यूट्यूब पर, यू गेट टू नो टूरेट सिंड्रोम होता क्या है। ब्रेन एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज, ये भी इसका कॉज है। तो बेसिकली ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, उनमें जहां से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए, इमोशंस रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर उनमें कुछ एक्सेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो तो ये भी एक रीजन होता है ओसीडी डेवलप होने का। एंसेफेलाइटिस ब्रेन ट्यूमर, जिन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक रिलेशन देखा गया है ओसीडी के साथ, या अगर सेरोटोनिन हार्मोन जो है उसमें इंक्रीज एक्टिविटी देखी जाए तो वो भी एक ओसीडी के साथ उसका भी कनेक्शन जो है वो देखा गया है। फाइन, और यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस, ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सिंगुलेटेड, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, इनमें अगर एक्सेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो तो वो भी आपके ओसीडी से रिलेटेड हो सकता है।
फिर हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें पहले हो गया साइको एनालिटिकल थियरी, फिक्सेशन टू द एनल फेज ऑफ लाइफ जो हमने देखा पहले, ठीक है, अगर एनल फेज ऑफ लाइफ की फिक्सेशन जो है वो अनरिजॉल्व रह गई हो, दैट मीन्स टू हार्श अगर टॉयलेट ट्रेनिंग किसी को दी जाए तो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हो सकता है उसके अंदर ओसीडी डेवलप हो। फाइन, ये मैंने आपको तब भी कहा था। लर्निंग थियरी जो है, देखो लर्निंग थ्योरी ये भी एक फैक्टर है ओसीडी डेवलप होने का। अगर इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है राज, उसने सड़क पे ब्लैक डॉल देखी, तो जब उसने ब्लैक डॉग देखी डॉल देखी वो देख के वो डर गया, ठीक है, या उसके साथ कुछ वहां पे हो गया ब्लैक डॉल देख के, तभी कोई एक्सीडेंट हो गया है कुछ ऐसा, उसने अब ब्लैक डॉल को जहां पे भी देखता है वो इसको एसोसिएट करता है किसी एक नेगेटिव चीज के साथ, तो ये भी एक टाइप ऑफ ओसीडी है जो उसके अंदर डेवलप हो जाता है। थ्योरी क्या कहती है कि जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो हर कोई काम जो है वो परफेक्टली करना होता है, उनके अंदर भी ओसीडी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो ट्रीटमेंट थ्योरी इज बिहेवियर थेरेपी, उसमें क्या होता है एक्सपोज एंड रिस्पांस प्रिवेंशन, एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। इसमें क्या करोगे, पहले उसको एक्सपोज करवाओगे उस चीज के साथ जिसके साथ उसका ऑब्सेशन एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी को हाथ धोने का ऑब्सेशन होता है, तो उसके हाथ आप गंदे कराओ, उसको किसी एक चीज को टच करने के लिए बोलो जिस चीज पे कोई डर्ट लगी हो, तो उसके अंदर वो एक क्रिएट हो जाएगा कंपल्सरी वाला नेचर कि मुझे अब हाथ धोने हैं। लेकिन फिर क्या करो, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोज कर लिया उसको अपने ऑब्सेशन के साथ, दैट मीन्स उसके हाथ गंदे हो गए, उसका एक्सपोजन उसका जो ऑब्सेशन है वो एक्सपोज हो गया कि उसको हैंड वॉश करना है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो एक्चुअली जाके हैंड वॉश करे, लेकिन आपको उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है कि जब वो हाथ धोने उसको आपको नहीं देने, आपको बैठ के साथ बातें करनी है, ठीक है, या किसी और काम में उसको उलझाए रखना है ताकि वो अपने हैंड वॉश ना करे। तो बार बार रिपीटेडली अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है उसका जो ओसीडी वाली चीज है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाए। इसके लिए मेडिसिन है क्लोमिप्रेमीन एंड फ्लोक्सिटीन, ठीक है, ये मेडिसिन दी जाती है ओसीडी के लिए। फिर पीटीएसडी हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्सपोजर टू सीवियर ट्रॉमा, अगर किसी के साथ बहुत खतरनाक वो एक्सपोज हुआ हो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ, जैसे किसी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने कोई वॉर टाइम में जो है वो उस टाइम पे रहा हो, उसने वॉर्स वगैरह देखी हो, कोई एक डिजास्टर विटनेस किया हो, तो उसमें क्या उन लोगों में क्या डेवलप हो जाता है, पीटीएसडी। तो सेक्शन ऑफ ट्रॉमा विक्टिम्स जो है आउटग्रो द सिम्टम्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो आउटग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन कईयों में प्रॉब्लम रह जाती है, उनका ब्रेन जो है वो स्टक हो जाता है। अगर किसी ने आग देखी है किसी के आसपास घर में कहीं पे आग लगी है, तो उनका ब्रेन जो है वो उस मोमेंट को कैच कर लेते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, उनका ब्रेन उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर वो हल्की फिर एक मैचस्टिक भी जलाएंगे तो वो ट्रिगर हो जाता है, उनका वो जो आग उन्हें देखी थी वो रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है और उनमें एक्सट्रीम एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या आपको इसमें देखना है, ये जो सिम्टम्स है सारे ये 1 मंथ तक अगर कंटिन्यू रहेंगे तो ही पीटीएसडी जो है वो डायग्नोज होती है। कॉजेज बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जीन्स पे डिपेंड होगा, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट मीन्स वल्नरेबल पर्सनैलिटी है, डर है उसको इन चीजों का, और लाइफ इवेंट में कोई ऐसा इवेंट हुआ है उसके जिसकी वजह से पीटीएसडी डेवलप हुआ है। लर्निंग, अब अलग अलग अप्रोचेस देख लो, लर्निंग थ्योरी अप्रोच इसमें क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर ट्रेन को उलटते हुए ट्रेन का एक्सीडेंट होते हुए देखा है तो दोबारा वो ट्रेन बोर्ड करने से उसको डर लगेगा, ठीक है, तो ये भी एक लर्निंग थ्योरी अप्रोच बोलती है। कॉग्निटिव अप्रोच बोलती है कि इन लोगों में क्या प्रॉब्लम होती है कि फोकस करते हैं स्ट्रेस पे ज्यादा और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कम। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच वो अप्रोच है जो बोलती है इनको अपनी लाइफ वो मीनिंगलेस लगती है क्योंकि वो स्ट्रेस को रेगुलेट नहीं कर पाते। अब लाइफ इनको मीनिंगलेस क्यों लगती है, लाइफ इनको इसलिए मीनिंगलेस लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जो बच्चा है वो कोई अगर लेडी है वो आग में जो है उनके घर में आग लगी है, ठीक है, खुदा ना खासा ऐसा किसी के साथ हुआ है, तो उनके हाथ में छोटा बच्चा है, उन्हें बच्चे को क्या कर लिया, अपने खिड़की से बच्चे को बाहर फेंका बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन बच्चा क्या हो गया, वो बच्चा नहीं, वो जब खिड़की से बाहर फेंका तो बच्चे की डेथ हो गई, तो उनका जो ब्रेन है वो स्टक हो जाएगा उस इवेंट में। तो उनको अगर कोई भी काम करने जाएंगे अपनी लाइफ में तो उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा कि मैं तो ये काम करने के लायक ही नहीं हूं, मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, मैं क्या किसी के लिए और कोई काम करूं। तो ये सारा जो स्ट्रेस उनके जो क्रिएट होता है उसको सही से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं किसके साथ, पीटीएसडी के साथ। और इस पीटीएसडी में अलग अलग अप्रोचेस ने हमें अलग अलग बात बताई, लर्निंग थ्योरी अप्रोच ने क्या कहा, कॉग्निटिव थ्योरी ने क्या कहा, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच ने क्या कहा।
इसकी ट्रीटमेंट में देखते हैं कग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या करोगे, पहले जो इंसान होगा जिसको प्रॉब्लम होगी उसको एक्सपोज करवाओगे उसके थॉट्स, उसको बोलोगे कि बताओ कि क्या किस चीज का डर है आपको, एंड देन स्लोली क्या करोगे रैशनली उसको रियलिटी चेक देते रहोगे और रियलिटी लॉजिक के बेसिस पे क्या करोगे उसके थॉट्स करेक्ट करने की कोशिश करोगे। सेकेंड वन इज आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, ये फॉर डिजास्टर विक्टिम्स यूज होता है, डेवलप किया था इसको फ्रैंकिन शापिरो ने 1987। ये ऑफ शूट है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी का। इसमें बायलेटरल स्टिमुलेशन होती है कि जो वो इंसान बात कर रहा है तो क्या करोगे उसको बोलोगे मेरी आंखों की तरफ देखो और आंखें लेफ्ट राइट घुमाते रहोगे या साथ साथ उसके शोल्डर टैप करोगे। तो बायलेटरल स्टिमुलेशन क्यों होगी, एक तो उसके दिमाग में वो सारी चीजें रिकॉल हो रही है जब वो बात कर रहा है, एंड देन आप उसका थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हो मेरी आंखों की तरफ देखो या अपने शोल्डर्स की तरफ देखो। तो इससे आप क्या करोगे, इस टेक्निक से अनफ्रीज करने की कोशिश करोगे ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि उसका ब्रेन जो है जैसे मैंने कहा किसी ने अगर आग से निकला है तो उसका दिमाग वहां पे स्टक हुआ होता है, फ्रीज हो गया होता है माइंड उसका उसी एक सिचुएशन में, तो उसी को अनफ्रीज करने की कोशिश करोगे। फोबिया इज सिंपली आपका डर, उसको फोबिया बोलते हैं, ग्रीक फोबोस से निकला है क्लासिफिकेशन जो है इसकी, उसमें आपको अलग अलग फोबिया कर, जैसे पानी से कोई डरता है तो उसको एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, तो ऐसे अलग अलग टर्म्स है जो आपको कंपाइल्ड पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, वो सिंपली आपको याद करने है, उसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, यहाँ से आप देख लेना। लास्ट वन इज ये पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, सडन ऑनसेट हो जाता है कि ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, पहले एक चीज होगी ग्रेजुअली कुछ नहीं होता है, एकदम से जो है विदाउट एनी वार्निंग साइन एकदम से आपके जो बॉडी है इंसान की विक्टिम की वो पैनिक की मोड में आ जाती है, एक्सेस स्वेटिंग हो जाएगी, बॉडी ठंडी हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू आपका जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें जो विक्टिम है उसको फेयर रहता है डेथ का, उसको लगता है कि वो मर जाएगा। ये जो अटैक है ये फ्यू सेकेंड्स तक भी लास्ट कर सकता है, फ्यू आवर्स तक भी या कुछ दिनों तक भी कंटिन्यू रह सकता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। एंड ये इफेक्ट करता है विमेन को मोर देन मेन, एंड यंगर को जो है उनको ज्यादा इफेक्ट करता है देन योर एल्डरली, ठीक। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है यूनिट टू, इसके बाद हमारी रिविजन सीरीज चलेगी यूनिट थ्री की। फाइन, आई होप आपको जल्दी से ये सारा जो हमने अभी तक पढ़ा था वो रिकॉल हुआ हो। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत आई है दैट मीन्स आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो अभी भी टाइम है। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में दिक्कत आई है तो मैंने लेक्चर नंबर 7 में दिया हुआ है रिविजन सीरीज में, तो आप वो वीडियो जाके वो लेक्चर में एक डिटेल्ड जो है वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि ये सिर्फ एक रिविजन और मैराथन सीरीज थी जिसमें हमें काफी ज्यादा कंटेंट कुछ एक कम टाइम में कवर करना होता है। फाइन, तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।